नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंसानियत फाउंडेशन ने गुरुवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया। इस रक्तदान कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसी ने बताया कि इस तरह के रक्तदान शिविर कैंप का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद लोगों तक उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें समय से ब्लड उपलब्ध कराया जाना है, ताकि मजबूर की मदद इस इंसानियत फाउंडेशन के तहत हो सके, क्योंकि रक्तदान महादान है। फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसी ने बताया कि उनकी संस्था इंसानियत फाउंडेशन द्वारा अक्सर इस तरह के रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी माध्यम से अधिक ब्लड यूनिट जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इकट्ठा कराया जाता है, और यहाँ पर ब्लड इकट्ठा कराने का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद को किसी भी विपरीत स्थिति के समय तत्काल प्रभाव से ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। वहीं एक पीड़ित पिता भी अपनी बेटी के लिए रक्त के लिए हॉस्पिटल में काफी परेशानी में रक्त के लिए जिला अस्पताल में भटक रहे थे और काफी परेशान थे। तभी इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष को इस बात का पता चलने पर उनकी बेटी की हालत काफी खराब थी, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको रक्त की तत्काल प्रभाव से जरूरत है। जैसे इस बात की जानकारी मोहम्मद वसी को हुई तो उन्होंने इंसानियत फाउंडेशन की ओर से एक यूनिट ब्लड दिया और उस पिता ने इंसानियत फाउंडेशन का धन्यवाद किया। इस रक्तदान शिविर में रेहान सिद्दीकी, साकिर अंसारी, शोएब अंसारी, मोनू महाजन, दानिश सिबलू अक्षय के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जरूरत थी, मैं इंसानियत यहाँ ब्लड कैंप में आया। इंसानियत फाउंडेशन के द्वारा मुझे तुरंत ब्लड अवेलेबल कराया गया। मुझे कहाँ का पेशेंट है? यस लोक हॉस्पिटल में। कितने हैं लोग जो है आपको ब्लड यूनिट चाहिए था? बस मुझे एक यूनिट की ब्लड चाहिए। क्या हुआ था? क्या हुआ था बच्चा? क्या वो तो नहीं बता रहे, लेकिन हाँ एनीमिया कुछ शिकायत बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मुझे भैया वसीम भाई को बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। द्वारिका नाथ सोनी। देखिए, अभी इंसानियत फाउंडेशन आज से दो महीना तीन महीना पहले ही हमने नाम दिया है। वैसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि जिस हिसाब से मैंने लॉकडाउन में काम किया था, दो महीने राशन या लवारिस मिट्टी हो गई या लोगों को ब्लड देना हो गया, तो लोगों ने कहा भाई जब तुम काम कर रहे हो तो इंसान कोई जो है नाम दे दो, एनजीओ का नाम दे दो तुम। तब मैंने इंसानियत फाउंडेशन नाम रखा। इंसानियत फाउंडेशन इसलिए रखा है कि आज के दौर में जहां इंसानियत जैसे ख़त्म जैसी होती जा रही है, वहां हमारा और हमारी टीम के द्वारा सिर्फ एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज क्या कार्य? आज हमने जो है एक ब्लड कैंप लगाया है, जिसमें अल्लाह का शुक्र है लगभग अभी तक, मतलब 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है, लगभग अभी 11:30 हो रही है, 25 लोग डोनेट कर चुके हैं और इंशाल्लाह कम से कम 25। लक्ष्य यह है कि ब्लड के अभाव से, ब्लड की कमी की वजह से कोई परेशान ना हो। जैसे मैं देखता हूँ कि हमेशा ब्लड की जो है यहाँ कमी रहती है और लोग जो है परेशान होते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही एम है कि ब्लड के अभाव की वजह से कोई भी पेशेंट परेशान ना हो। इसका शुभारंभ आज जो है किसने किया? इसका शुभारंभ बस हमारे जो है आज भाई लोग ही थे जिन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद वसी। एक मैसेज दे दिया इंसानियत फाउंडेशन के तहत जो रक्तदान जो किया उसको एक मैसेज दे दिया। भाई हम लोगों को आज के दौर में ये समझना पड़ेगा कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यही हमारा आज का मैसेज है। आज की जो नफरत भरी दौर में इंसानियत से बड़ा धन, इंसानियत से बड़ी जो है चीज़ कोई नहीं है। मोहम्मद वसी।